वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स है इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट टर्म द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म सो इस यूनिट में हम इंसानी जिस्म के बारे में स्टडी करने लगे हैं फर्स्ट टर्म है सेल्स लाइक ऑल लिविंग थिंग्स बाकी जिंदा जानदार इतजाम की तरह लिविंग थिंग्स में आएंगे हमारे पास प्लाट्स एंड एनीमल्स द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिसम इज मेडअप ऑफ सेल्स मेडअप बना हुआ है ऑफ सेल्स सेल्स से तो बाकी तमाम जिंदा जानदार एजाम की तरह इंसानी जिसम भी सेल्स से मिल के बना है सेल्स और दी स्मॉलीस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स स्मॉलेस्ट छोटे बिल्डिंग यूनिट्स तमीराती यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स जिंदा जानदार इजाम के तो सेल्स क्या है कि हैं कि छोटे बिल्डिंग यानी कि तमीराती यूनिट्स हैं लिविंग थिंग्स जिंदा जानदार एजाम के यानी कि जिंदा जानदार एजाम जो है, वो सेल से मिल के बनी होती हैं वी हैव बोन सेल्स हमारे पास बोन सेल्स होते हैं मसल सेल्स हार्ट सेल्स ब्लड सेल्स एंड सो ऑन बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स और जो बोन्स होती हैं वो भी लिविंग सेल से मिल के बनी होती हैं यहाँ पर आपको कुछ सेल्स शो किए गए हैं इज़ द फर्स्ट नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन भी कहेंगे ये हमारे नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग यूनिट होता है यहाँ पे हैं रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं एपीथीलियल सेल्स जिस एपीथीलियल सेल्स जो हमारी स्किन की एपिडर्मल uh, लेयर में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट टर्म इज़ सेल्स ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म टिश्यूज सेल्स एक साथ इकट्ठे होके क्लस्टर बना देते हैं गुच्छा बना देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं टिश्यू टिश्यू इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स का एक क्लस्टर जो है विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब जो एक जैसा ही काम संक्षम देंगे उसको हम क्या बोल देंगे अ टिशू टिशू कैन बी मस्कुलर टिशू की अब ये टाइप्स बताई गई हैं मस्कुलर भी हो सकते हैं कोनेक्टिव टिशू नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिशू ये टाइप्स टिश्यूज को इसलिए डिफाइन की गई हैं क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं अपने काम के लिहाज से अपनी जॉब के लिहाज से उनका नाम जो है डिफाइन किया गया है मस्कुलर टिश्यूज हैं तो मतलब वो हमारी मसल्स में प्रेजेंट हैं कनेक्टिव टिश्यूज हैं तो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि बोन्स में प्रेजेंट हैं नर्वस यानि कि नर्वस सिस्टम में और एपिथीलियल जो एपीथीलियल लेयर में होंगे बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू हमारी बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो एक टाइप है नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हमने इनको डिफरेंट डिस्क्राइब कर दिया है पार्ट्स में सबसे पहले है हमारे पास नर्वस टिश्यू जो हमारी नर्व्स यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा ठीक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको उनके सिमिलर सेल्स को यानी कि एक टिश्यू को हम क्या बोल देंगे नर्वस टिश्यू उसके बाद है हमारे पास मसल टिश्यूज जो हमारे कॉर्डिक मसल्स हैं यानी कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे स्केल्टल मसल्स हैं हमारी स्केल्टल है, मसल्स में हैं और स्मूथ मसल्स यानी कि ये तीनों टाइप्स जो हैं ये हमारी मसल्स टिश्यूज की हैं देन है हमारे पास एपिथीलियल टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पे हैं हमारी एपिडर्मस में यानी कि एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन हमारी स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स जो होते हैं यानी कि हमारा स्टमिक लार्ज intestine, स्मॉल intestine, एसोफिगस इन सब ऑर्गन की लाइनिंग लेयर में भी प्रेजेंट होंगे क्या एपिथेलियल टिश्यूज़। देन है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़, जो हमारी फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़ होंगे यानी कि बोन और टेंडन्स में ये बोन्स और टेंडन्स में ये प्रेजेंट होते हैं क्या कनेक्टिव टिश्यूज सो ये हमारे पास फोर टाइप्स हैं टिश्यूज की देन है हमारे पास फंक्शंस द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स मस्कुलर टिश्यूज़ की टाइप्स जो है उसकी फंक्शंस में है ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट यानी कि हमारी मूवमेंट्स में जो है वो मस्कुलर टिश्यूज हेल्प आउट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज गिव शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड स्टेम इन प्लेस यानी कि हमारी बोन्स जो होती हैं वो हमारी ऑर्गन्स को शेप देती हैं और हमें होल्ड करके रखती हैं नर्वस टिश्यू सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन ब्रेन को और ब्रेन से वापस जो है वो सिग्नल्स लेके आने के लिए नर्वस टिश्यू हेल्प आउट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी और हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर करने में एपिथेलियल टिश्यूज़ का अहम करदार है